हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एमपी पटवारी और अदर कंपटीशन एग्जाम में जो एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर। और आपको कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर से रिलेटिव आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो मैं आज कुछ 48 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इनमें से इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा विंडसर्फ। ओके, आपको मिल भी सकता है विंडसर्फ और ये भी मिल सकता है डॉक्टर विंट जी सर। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ गया अपना सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। यदि यही क्वेश्चन आ जाता कि कंप्यूटर के दिल को, मतलब हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिल किसे कहते हैं? तो उसका आंसर आ गया बेटा ALU। ओके, क्या था? ALU। अच्छा, यदि मैं पूछता हूं कि जो CPU होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो बेटा मुख्य रूप से तीन होते हैं, MU, CU और ALU, जिसमें से जो ALU है वो कंप्यूटर का दिल कहा जाता है और जो CPU है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, यहां पर और भी अलग अलग प्रकार के फुल फॉर्म दिए हैं जो कि आपको करेक्ट आंसर देना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? यहां पर यह पूछा गया है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आएगा बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर का दिल है उसे ALU के नाम से जाना जाता है और जो ALU होता है वो अर्थमेटिक भी काम करता है और लॉजिकल भी काम करता है, मतलब तार्किक शक्तियां का उपयोग करता है, कौन? ALU। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है बेटा नई दिल्ली। ओके, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट, मतलब कि यहां पर यह पूछा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आ गया बेटा इंटरनेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमति करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आ गया बेटा इनपुट डिवाइसेस। ओके, एक बार और समझना कि इनपुट डिवाइस क्या है। जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है तो भेजा गया डेटा इनपुट डेटा कहलाता है और जिस डिवाइस से भेजा जाता है बेटा उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना और नंबर सी है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। कहने का मतलब ये है कि जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपके सारे काम करता है। अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब जो यूजर के द्वारा कोई भी कार्य दिए जाते हैं वो इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए तो क्या है बेटा सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, तो ये एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं। और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, लेकिन कुछ स्टूडेंट में से ये बोला था कि सर डेटा क्या कहलाता है और जानकारी क्या कहलाती है? तो बेटा डेटा और जानकारी में ये होता है कि जो भी हम टाइप करते हैं या हमारी मॉनिटर के अंदर दिखता है वो सब क्या कहलाता है डेटा, लेकिन प्रोसेस किया गया डेटा जो हमें परिणाम देता है उसे बोलते हैं बेटा इंफॉर्मेशन। जैसे 2+2 ये क्या है बेटा डेटा, जब ये 2+2 = 4 हुआ तो 4 क्या बन गई इंफॉर्मेशन, जबकि 2+2 क्या बन गया बेटा डेटा बन गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से सुनते चलना। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा बेटा सी ब्रेन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप बकायदे देखते चलना। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं तो अर्थमेटिक और लॉजिकल। जो सीपीयू होता है इसके पहले मैं आपको बताया था कि जो सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू होती है, मेमोरी होती है और क्या होता है बेटा ALU, और जो ALU होता है वो कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको वो नहीं समझा सकता, केवल डेटा को प्रोसेस कर सकता है। यदि मैंने बोला कि मैं वहां जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, तो कंप्यूटर क्यों का रीजन नहीं देगा, क्योंकि वो आपको इंटरफेस के द्वारा डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। मतलब कि इनपुट किए गए डेटा को आपस में प्रोसेस करेगा और आउटपुट में प्रदान कर देगा, ना कि आपको ये बताएगा कि आप क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापा जाता है। अब यहां पर यह बोला गया है बिल्कुल हिंदी, मेगाबाइट का शॉर्ट नाम है एमबी, एमबी में मापा जाता है। मतलब कि यहां पर यह पूछा गया है कि जो एमबी होती है वो किसकी यूनिट होती है, मेजर ऑफ एमबी। ओके, तो इसका आंसर आया कंप्यूटर की स्मृति, मतलब कंप्यूटर की स्मृति को क्या बोलते हैं बेटा, मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई क्या है, तो उसका आंसर आ गया बेटा एमबी। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? तो IBM विश्व की सबसे बड़ी निर्यात कंपनी है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, कौन सी है, IBM। अच्छा, अब बोलोगे सर ये IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये होता है बेटा IBM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान इनपुट और आउटपुट में निरूपित करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो CPU होता है वो क्या करता है बेटा, इनपुट डेटा को लेता है, बीच में प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट के रूप में वो चीज प्रदान कर देता है, तो उसको बोला जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है? तो यहाँ पर रैम और रोम, ये दोनों प्राथमिक मेमोरी है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है स्थाई होती है रोम और अस्थाई होती है रैम, ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। RAM मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको थ्योरिकल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जो रैम होती है वो एक्सेस करने का काम होती है, जबकि जो रोम होती है वो ओनली पढ़ने का काम करती है। ओके, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी हम चीजें चलाते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो वो कहां पर होता है, रैम में होता है। और लेकिन जो रोम होता है वो ओनली डेटा को पढ़ने का कार्य करता है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, इसको बोलते हैं बेटा इनपुट डिवाइस। मतलब क्या हुआ कि इनपुट डिवाइस के द्वारा आप किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, उसे बोलते हैं बेटा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा बेटा ALU। आपको जैसे ही पता चलना चाहिए गणना और तुलना, मतलब कि कैलकुलेशन और कंपेयर, हम किस भाग से, कंप्यूटर किस भाग से करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, और जो ALU होता है वो कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। यदि आप, मैं बोलता हूं कि वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी, कैश मेमोरी, ये सारे उपरोक्त होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस, तो इसका आंसर आएगा बेटा एबेकस। ओके, एबेकस कहाँ है, चीन से विकसित किया गया था, और ये किस जगह में बनाया गया था, तो इसका आंसर आएगा बेटा बेबीलोन। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि एबेकस किस देश में विकसित किया गया था बेटा, तो चीन में किया गया था। किस लैब में किया गया था, बेबीलोन जगह में किया गया था, किसको, एबेकस को। ओके, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस एबेकस है। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो इसका आंसर आएगा बेटा खेल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, तो उसका आंसर आएगा सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे बड़ा, महंगा और तेज होता है। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। ओके, और जो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये फुल फॉर्म होता है। यदि आपसे बोला गया कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं
कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के कॉम्बिनेशन से सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा चार्ल्स बेबेज को। और यदि आपको बोला जाए कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किसने तैयार किया था, तो किसने किया था? वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम तैयार किया था। अब बोलोगे सर ब्लॉक डायग्राम का मतलब, ब्लॉक डायग्राम का मतलब कि ये होता है कि सबसे पहले सीपीयू आएगा, सीपीयू में तीन भाग आएंगे, सीयू, एएलयू और एमयू। तो इसने किस संरचना जो थी कंप्यूटर की संरचना किसने दी थी? वॉन न्यूमैन ने। ओके, और जो कंप्यूटर का जनक था वो चार्ल्स बेबेज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर। इसमें यह पूछा गया है कि सबसे अधिक फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो इसका आंसर है बड़ा रजिस्टर। जो रैम होती है, रैम से फास्ट कैश होती है। ओके, अब मैं यहां पर थोड़ा सा सीक्वेंस बता रहा हूं, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। ओके, सबसे फास्ट रजिस्टर होता है, फिर उससे हल्का धीमा कैश होता है, इसके बाद रैम होता है, इसके बाद सीडी रोम होता है। ओके, तो ये होते हैं मेमोरी फास्ट अनुक्रम, कि मेमोरी का जो फास्ट होता है उसका अनुक्रम क्या है? रजिस्टर, कैश, रैम और सीडी रोम। इनको मैं सारे एक एक चीज क्लियर किया हूं, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताया हूं, आप मेरी थ्योरी वाली वीडियो देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक बनाया था? तो इसका नाम आएगा प्रेस्पर एकर्ड एवं जॉन मोशली, जो थे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, चुम्बकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड होती है उसमें चुम्बकीय डिस्क पर पदार्थ जो होता है वो किस चीज का लगा होता है बेटा? आयरन ऑक्साइड का। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी? तो 1946 में, 1946 आधुनिक कंप्यूटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है बेटा गणना। ओके, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो कैलकुलेशन करता है, और यदि मैं बात करता हूं कि एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस में करता है? तो मापने के लिए होता है। जो मेजर करता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, जो कैलकुलेशन करता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब बोलोगे सर जो गणना भी करता है और जो मेजर भी करता है, मेजरमेंट भी करता है, मतलब गणना भी करता है मापन भी करता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा? तो बेटा उसका आंसर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जे एस क्लिबी। सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, जो एस क्लिबी है वो किसका निर्माण किया था? तो आईसी चिप का निर्माण किया था, और आईसी का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है उसका निर्माण जे एस क्लिबी ने किया था। अब बोलोगे सर ये इंटीग्रेटेड सर्किट होती क्या है? तो ये जो कम मदरबोर्ड में करंट सप्लाई होता है ना, करंट सप्लाई करने के लिए जिसका निर्माण होता है उसको बोला जाता है बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी प्रत होती है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सिलिकॉन की प्रत। ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार रिकॉल किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स है, जो इसमें माउस लिखा है, वो एकदम आंसर गलत है। इसका नाम आएगा बेटा प्रिंटर। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस प्रकार का उपकरण है? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो बेटा प्रिंटर, माउस नहीं है। माउस क्या है बेटा? पॉइंटर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा होम में, होम की। अब बोलोगे सर कैसे? यदि आपने पूरा एक लाइन लिख दिया, ओके, अब लाइन के अंत में यदि आपका कर्जर है और लाइन के फर्स्ट में लाना है तो किसकी का यूज करेंगे? होम की का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो मॉनिटर। मॉनिटर क्या है बेटा? एक आउटपुट डिवाइस है, जो जो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में सारे
डेटा को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई? 1960 में आई थी बड़ी क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ये एक प्रकार के माउस हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। इसके पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था जस्ट एक दिन पहले, आप उस थ्योरी को देख लोगे आपको ऑटोमेटिक क्वालिटी समझ में जाएगी कि ऑप्शनल थ्योरी में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है याहू, बेदू और गूगल, ये क्या है बेटा? सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ओके, 1 मेगाबाइट कितने केबी के बराबर होता है? मतलब 1 MB कितने केबी के बराबर होता है? तो 1024 KB बराबर 1 MB होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हिंदी नाम है? संगणक। इसमें यह पूछा गया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ड ने बनाया था। किसने? डगलस एंजलबर्ड ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? स्क्रॉल करना। पूछा ये गया है कि आपने माउस देखा होगा, माउस में कितनी बटन होती है बेटा? 3, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और एक में एक है, दोनों के मध्य में एक बटन होती है जिसको व्हील चक्र बोलते हैं। ओके, और उसको बोला जाता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन से होता क्या है, डेटा को अप और डाउन किया जाता है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं? तो यहां पर कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और यहां पर ALU। प्रोसेसर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, कैश, ALU। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन, यहां पर ALT ना होकर ALU होना था, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये आपके 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर आएगा बेटा डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो आज मैं 45 क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक वीडियो लेके आया था, इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।